हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन में चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत अंतर्गत अंकुर मिशन अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी, जो समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल से यह बुकें प्राप्त हुई है, जो आपके विद्यालय में पहुंचा दी गई है, और आपके विद्यालय से आपको यह बुकें जो है प्राप्त हो जाएगी। और जब बुकें प्राप्त होगी तो आपको इन वर्कशीटों को हल करना होगा। तो वर्कशीटों को कैसे हल करेंगे, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और इसमें सप्ताह बार का जो वर्कशीट तैयार की गई है वो उसे आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे, इसके लिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने तैयार किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्कशीट को तैयार कर सकते हैं। तो हम इसी के अंतर्गत देखेंगे पार्ट 8, पंख फैलाए उड़ते जाएं। इन वर्कशीटों को कैसे हल करेंगे, इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। हम देखेंगे सप्ताह 11 के दिवस 1 में वर्कशीट नंबर है 55, पंख फैलाएं उड़ते जाएं, सीखने के बिंदु, इसमें पक्षियों के शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को जानना। तो हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1, जिसमें चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर और कबूतर, कौवा, यहाँ पक्षी है। तो इन पक्षियों को आपको पहचानना है। अब इन पक्षी को ध्यान से देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन कौन से पक्षी हैं। तो यहाँ ये परेवा, कबूतर, उल्लू, चिड़िया, इस प्रकार के यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अब इसको हल करना है। तो चित्र में दिखाई दे रहे हैं किन किन पक्षियों के नाम आप जानते हैं, तो किस किस के जानते हैं, कौवा, मोर और तोता के नाम आप जानते हैं। इनमें से आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है, तो तोता को आपने देखा है, कौवा को देखा है, चिड़िया को देखा है और कबूतर को भी देखा है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लगता है, तो मोर सुंदर लगता है। कौन सा पक्षी नाचता है, मोर नाचता है। कौन सा पक्षी मधुर आवाज़ निकालता है, कोयल निकालता है। इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो हमारी बोली की नकल कर सकता है, तो वो तोता कर सकता है, तोता को आपने देखा होगा। इस प्रकार हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 में पक्षियों की आवाज़ निकाल कर बताइए, तोता, कौवा, कोयल, मोर, कबूतर, टिहरी, मुर्गी। तो इनकी आवाज़ को आपको निकाल करके बताना है, और आवाज़ को आप पर्याप्त जो है सभी पहचानते हैं कि किसकी आवाज़ कैसी है, तो आप निकाल लेंगे उसको। अभ्यास क्रमांक 3 में देखेंगे भोजन के आधार पर पक्षियों के नाम लिखिए। जैसे मिर्च खाने वाला पक्षी तोता मिर्च खाता है, अनाज बीज खाने वाला पक्षी कौवा और चिड़िया है, फल खाने वाले पक्षी तोता है, अन्य जंतुओं को खाने वाले पक्षी कौवा और बाज है। इसके बाद देखेंगे हम क्या बनाना है हमको। तो इसमें हमको अपने पसंद के कोई दो पक्षियों की चोंच के चित्र बनाइए और पक्षी का नाम लिखे। तो अच्छा, आपको जो चोंच से बन सकती है आसानी से उसको आप बना लेंगे। तो इस तरह से भी चोंच बनाना है। तो कैसे, ये तोता की चोंच है और ये चिड़िया की, तो इस तरह से आप इसको चोंच को बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम सप्ताह 11 में ही दिवस 2 में वर्कशीट 56, इस पाठ का नाम है 8, पंख फैलाएं उड़ते जाएं, सीखने के बिंदु इसमें है पक्षियों के चित्र बनाना एवं पहचानना करना, पक्षियों के आवाज़ के बारे में जानना करो। अब इसमें क्या करना, अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ एक बिंदु दी गई है, इन बिंदु को मिलाकर के चित्र पूरा कीजिए और पक्षी का नाम लिखिए। तो हम बिंदु को मिला देंगे तो तोता बन जाएगा, और इसमें हम रंग भर देंगे तो आकर्षक दिखने लगेगा, तोता यहाँ पर हम लिख देंगे। इस तरह हमारी वर्कशीट हम हल करेंगे। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए अपने पसंद के पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो आपको जो भी पक्षी आपसे चित्र बन सकता है उसका बना सकते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बनाया मोर का चित्र है, तो ये मोर इस तरह से रहती है। तो इसके बाद देखिए आप अभ्यास क्रमांक 3 में आवास में भिन्नता के आधार पर छाँट कर अलग पक्षी पर गोला लगाई, जैसे बदक, मोर, बगुला और सारस। तो क्या करना है, भिन्नता के आधार पर हमको अलग छांटना। तो इसमें भिन्नता क्या है, मोर, बगुला और सारस एक से है, और यहाँ बतक जो है अलग है। यहाँ देखिए आप कबूतर, कौवा और मैना एक से हैं, और बतक यहाँ भी अलग है। फिर यहाँ देखेंगे दार्जिन चिड़िया, बया और गौरैया एक से
है और सारस यहाँ पर अलग है, तो इस तरह हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट वर्कशीट 57 सप्ताह 11 दिवस 3 में 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं। सीखने के बिंदु इसमें पक्षियों के शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को जानना, पक्षियों की चोंच आकार और संरचना को उनके भोजन की आदतों से संबंधित करना। अभ्यास क्रमांक 1 है, इसमें निम्नलिखित में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो अब यहाँ देखें, यह पक्षियों की चोंच का कार्य नहीं है। चोंच का कार्य कौन सा नहीं है? देखिए आप, घोंसला बनाना, उड़ना, भोजन करना, तो उड़ना नहीं है, चोंच से उड़ते नहीं है, तो इसलिए हम इसमें गोला लगा देंगे। अब दूसरा है, यह पंख का कार्य नहीं है। अब पंख का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, उड़ना, शरीर को गर्म रखना और चलना। तो पंख का कार्य, पंख से उड़ते भी हैं, शरीर को गर्म रखते, लेकिन चलना पंख से नहीं चल पाते, इसलिए इसमें हम गोला लगा देंगे या राइट के निशान लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप, पक्षी के पंजों का कार्य नहीं है। अब पंजों का कार्य क्या नहीं है? चलना, देखना और शिकार पकड़ना। तो देखना इसमें पक्षी के पंजों का कार्य नहीं, तो इसमें हम राइट का निशान लगा देंगे या गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए, अभ्यास क्रमांक 2 में घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित करिए और लिखिए। घोंसला बनाने वाले कौन कौन से? कौवा, वया, मैना, तोता, कबूतर, कड़फुड़वा, गौरैया और बुलबुल। तो इन्हें को हमको यहाँ लिखना है, कौवा, वया, मैना, तोता, कबूतर, कड़फुड़वा, गौरैया और बुलबुल। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने में पक्षियों के किन किन अंगों का उपयोग होता है? तो किन का होता है? पैर का होता है, पंजे का होता है और चोंच का होता है। इस तरह से इनका उपयोग कर घोंसला बनाया जाता है पक्षियों के द्वारा। अब इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, पक्षियों की चोंच को उनके आकार के आधार पर भोजन में सहायता करने के अनुसार मिलाइए। जैसे पक्षियों की चोंच है और भोजन यहाँ पर दिया हुआ है, तो छोटी घुमावदार और नुकीली चोंच तोता, गौरैया और कबूतर की होती है, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे कि फल, अनाज के दाने, बीज कुतरने, छीलने व फूलने में सहायक। ये छोटे वाले चोंच के आधार पर इसको मिला देंगे हम आखिरी में, पांच वाले में। अगला है, लंबी पतली घुमावदार चोंच, शक्कर और खोरा, तो फूलों से मकरकंद चूसने का कार्य करने में सहायक, इसको लिख देंगे या इससे मिलान कर देंगे हम। तीसरा है, चिमटी हुक की तरह चोंच बाज और चील की होती है, तो शिकार या आहार को आसानी से काटकर ग्रहण करने में सहायक होता है। चौथा है, बहुत लंबी नुकीली चोंच किसकी होती है? बगुला और सारस की होती है, तो ये जो है पानी पहले से मिला देंगे, पानी व कीचड़ दलदल से शिकार पकड़ने में सहायक। अगला है पांचवा, मजबूत और चपटी चोंच बतख की होती है, तो ये किस काम में आती है? पानी व कीचड़ दलदल से शिकार पकड़ने में सहायक होती है, तो इस तरह से हम इन जोड़ियों को मिलान कर देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, यहाँ पर पक्षी क्या खाते हैं लिखिए। पक्षी और भोजन, पक्षी और भोजन, तो उल्लू कीड़े खाते हैं, मोर अनाज खाते हैं, कबूतर कीड़े और दाने खाते हैं, गिद्ध मांस खाते हैं, कोयल फल और कीड़े खाते हैं। इस तरह से हम इनके भोजन के बारे में लिख देंगे। तो इस तरह हमारी वर्कशीट जो है 55, 56, 57 संपूर्ण हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 58, 59 और 60 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।